हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर बीबीटेक कर रखा है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। सैलरी यहाँ पर आपकी लगभग 60,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका आईआईटी गांधीनगर गुजरात की तरफ से जारी किया गया है। ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। क्या बताया गया है यहाँ पर? यहाँ पर बताया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। काफ़ी पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं, लेकिन जो पोस्टें अपने काम की हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 5 पर, अगर हम बात करें आपकी पोस्ट की, तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। बात करें आपकी सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर आपकी रहने वाली है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक। अगर हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन, डीए और एचआरए शामिल कर देते हैं, तो आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है लगभग 65,000 रुपये प्रति मंथ। यहाँ पर आपके रहने का भी इंतजाम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर आपसे बीबीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बहरहाल आपके बीबीटेक में मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक कर रखा है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट अपनी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर के लिए। ये रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहने वाली है। अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन, डीए और आपका एचआरए शामिल कर देते हैं, तो यहाँ पर सैलरी आपकी लगभग 52,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। यहाँ पर जो है आपका रेसिडेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा आपके रहने का। अब बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एटलीस्ट आपके 55% मार्क होने चाहिए और आपके पास सिविल या इलेक्ट्रिकल से संबंधित मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 32 ईयर रखी गई है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा कर रखा है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको जनरल कंडीशंस में बता रखा है कि यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलने वाला है। मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 50 ईयर रखी गई है और जो भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उन्हें इंटरव्यू के टाइम पर एनओसी सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं 1 सितंबर से और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 30 सितंबर रखी गई है। बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपीज़ रहने वाली है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सीरियल नंबर 5 पर आपको बताया है, कैंडिडेट्स हु डिज़ायर टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट यूज सेपरेट फॉर्म फॉर इच एप्लीकेशन एंड आल्सो पे सेपरेट फी फॉर इच एप्लीकेशन। अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक दोनों के लिए पोस्टें हैं, तो आप जो है 2 फॉर्म ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको
दो फॉर्म अप्लाई करने हैं और डबल आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और अगर हम बात करें कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अप्लाई ऑनलाइन के नाम से इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया पोस्ट आपकी रहने वाली है, सैलरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली है, 50-60 हज़ार रुपये। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।